सबको जय येसु की। प्रार्थना भवन टीवी के इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रभु का वचन को सुनेंगे और आज के दिन में हम प्रभु का वचन सुनेंगे, येसु का स्पर्श इंसान को कैसे बदलता है, इस बारे में आज के दिन हम विचार करेंगे। और इस बात को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं है। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। क्या देखना है कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है, कितना हम सबों से प्यार करता है। इन बातों को जब हम परख करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे, तब जाके हमारा जीवन बदल सकता है। इसके बगैर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। पूरा बाइबल हम जान सकते हैं, पूरा बाइबल के बारे में हमें मालूम है, लेकिन केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है। जानकारी ज़रूरी है और जानकारी इंसान के जीवन को नहीं बदलती है। इंसान को बदलने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जानकारी को प्राप्त करने के बाद अपनी उदारता दिखानी होगी, तब जाके ईश्वर का आत्मा उसके जीवन में कार्य करेगा, तब जाके वो बदल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस वाक्य को और गहराई से समझाने के लिए मैं आपके सामने संत पौलुस का उदाहरण लाना चाहता हूँ। संत पौलुस पौलुस बनने से पहले क्या थे, हम उस बात को पढ़ सकते हैं। बाइबल में इसका उल्लेख किया गया है कि संत पौलुस पौलुस बनने से पहले उसका नाम अलग था, वो सौल था। जब उसका नाम अलग था, उसका काम भी अलग था। उसका नाम अलग, उसका काम अलग। और उसका नाम और काम, जो काम विशेष रूप से प्रभु के लिए पसंद नहीं था। एक दिन वो अपने घोड़े से सवार होकर दमस्कस नामक शहर की ओर जा रहे थे और रास्ते में वो अचानक उसको इतनी तेज रोशनी दिखाई देती है और वो घोड़े से गिर जाता है। और जैसे ही घोड़े से गिर जाता है, प्रभु यीशु उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं, मुझे क्यों सता रहे हो? और सौल जो अभी घोड़े से नीचे गिर चुका था, ज़मीन पर ढेर हो गया था, इस आवाज़ को सुन के पूछता है, प्रभु आप कौन हैं? तब प्रभु उत्तर देता है, जिसको आप सता रहे हो मैं वही हूँ, मुझे क्यों सता रहे हो? और इस प्रकार से जब घोड़े से सौल नीचे गिर गया, उसकी दृष्टि चली गई, अननियस को प्रभु ने तैयार किया ताकि अननियस जाके सौल से बातें करें, ईश्वर के बारे में बताएं, ईश्वर के वचन सुनाएं, ईश्वर की इच्छा के बारे में बताएं, ईश्वर की योजना के बारे में बताएं। इस सारी बातों को अननियस ने सौल को 3 दिनों में सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया। 3 दिन के बाद जब सौल को दृष्टि वापस आ गई, अब ये दृष्टि नई दृष्टि थी। इसके पहले की उसकी दृष्टि खत्म हो गई, पुरानी दृष्टि मिट गई, नई दृष्टि के साथ एक नए दृष्टिकोण उसको मिल गया, एक नया नाम मिल गया। अब वो सौल से पौल हो गया, नया नाम मिल गया, एक नया काम मिल गया। पहले का नाम अलग था, काम अलग था, अब नाम नया हो गया, काम भी नया हो गया। दृष्टि नई हो गई, दृष्टिकोण भी नया हो गया। और दृष्टिकोण के साथ इसके विचार नए हो गए, विचारधाराएं नई हो गई, इंसान बदल गया। ये कैसे बदल गया? ईश्वर का स्पर्श उसको मिला, ईश्वर का अनुभव उसको मिला, प्रभु ने उससे बातें की, प्रभु से उसने बातें की, सौल के बीच में वार्तालाप हुआ, सौल पौल हो गया। इस प्रकार से गहरा अनुभव उसने प्राप्त किया। और इस गहरा अनुभव प्राप्त करने के बाद संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है, अध्याय 3 पद संख्या 7 और उसके आगे लिखता है, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। देखिए, ये वही व्यक्ति हैं
जो ईसाइयों को परेशान किया करता था, सताता था, मारता था और अलग अलग प्रकार से अत्याचार किया करता था, अलग अलग प्रकार से चोटें पहुंचाता था, अलग अलग प्रकार से दर्द देता था, अलग अलग प्रकार का नुकसान करने वाला व्यक्ति, उसका काम यह था। अब उसका काम देखिए, वो स्वयं कहता है, जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। जिन बातों को मैं लाभ समझता था, यानी कि इससे पहले, यीशु को जानने से पहले, यीशु के पास आने से पहले उसके विचार अलग थे, विचारधाराएं अलग थी, नज़र अलग थी, नज़रिया अलग थी। और पहले की नज़र क्या थी? पहले की नज़र हिंसा की नज़र थी, पहले की कार्य हिंसात्मक कार्य थे, पहले के विचार हिंसात्मक विचार थे, परेशान करने के विचार थे, परेशान करने के कार्य थे, दुख देने के कार्य थे, एक दूसरे को मारने पीटने के कार्य थे। इस प्रकार का व्यक्ति को जब यीशु मिला, यीशु से मुलाकात हुई, यीशु से बातचीत हुई, यीशु का स्पर्श मिला, यीशु के स्पर्श से यह इंसान बदल जाता है और कहता है, जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। अब उसको ज्ञान मिला, ऐसा ज्ञान मिला जो प्रभु का था, प्रभु का मनोभाव मिला। इसके पहले वो ज्ञानी था लेकिन प्रभु का ज्ञान उसके पास नहीं था। इसके पहले उसके पास ज्ञान था, वो विद्वान जरूर था लेकिन प्रभु का ज्ञान नहीं था। प्रभु यीशु के ज्ञान के बगैर इंसान ज्ञानी नहीं हो सकता है। आजकल बहुत सारे माता पिता सोचते हैं बच्चों को अच्छे नंबर मिलने चाहिए, इसलिए ट्यूशन के लिए भेजते हैं। भले ही चर्च नहीं भेजेंगे, भले ही तालीम के लिए नहीं भेजेंगे, भले ही प्रार्थना के लिए नहीं भेजेंगे, और बच्चों को कहाँ भेजेंगे? ट्यूशन के लिए, ताकि बच्चों का परसेंटेज खराब ना हो, बच्चों को किताबी ज्ञान में कोई कमी ना हो, इसलिए भरपूर मात्रा में किताबी ज्ञान दिया जाता है। भाइयों बहनों, जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रभु का ज्ञान प्राप्त होना। प्रभु के ज्ञान के बगैर इंसान जिंदगी जीने की कला जान ही नहीं सकता है। दुनिया का ज्ञान हासिल कर लेगा, दुनिया का ज्ञान इंसान को स्वर्ग नहीं ले जाएगा। दुनिया का ज्ञान इंसान को दुनिया में सफल होने के लिए जरूर सिखाएगा, दुनिया में सब आगे बढ़ने के लिए जरूर मददगार होगा, लेकिन हमारा जिंदगी भाइयों बहनों केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है, केवल दुनिया पर राज्य करना नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद है इस दुनिया का जीवन समाप्त होने के बाद उस अनंत जीवन की ओर जाना, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा मकसद है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें उस ईश्वर का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम संत पौलुस के बांधी आज ही निर्णय लें, स्वयं अपने जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे युवक युवतियों के जीवन में प्रभु का ज्ञान आए। और जिस दिन प्रभु का ज्ञान आएगा, हम सबके सब सफलता के रास्ते में चलने लगेंगे। संत पौलुस विनाश के रास्ते में चल रहा था, ज्ञानी जरूर था, विद्वान जरूर था, लेकिन विनाश के मार्ग पर चल रहा था। जब उसको लगा कि विनाश के मार्ग पर चल रहा है और उस रास्ते से गिर गया और यीशु के पास आया, यीशु के रास्ते पर चलने लगा, यीशु का ज्ञान मिला, यीशु की दृष्टि मिली, यीशु का दृष्टिकोण मिला और यीशु का वो प्यार भरा दिल मिला, और तब जाके वो कहता है, जितनी चीजें आज तक इससे पहले मुझे लाभदायक थी अब सब कुछ कूड़े के बांती हैं, नुकसानदायक हैं। यीशु को जानना और यीशु के पास आना, यीशु से बात करना, यीशु का अनुभव प्राप्त करना, इस ज्ञान की तुलना में बाकी सभी कूड़े के बांती है। इस प्रकार से यह व्यक्ति ऐलान करता है, यह व्यक्ति घोषित करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को सीखें, यह व्यक्ति क्या कहता है, किंतु जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। और आज के परिवेश में हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज भी सॉल बन के हम सबों को परेशान करते होंगे। अलग अलग इलाकों में हम हर दिन सुनते हैं, आज उधर ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, क्योंकि उनको यीशु का ज्ञान नहीं है, यीशु का स्पर्श नहीं है। यीशु के ज्ञान के बगैर, यीशु के स्पर्श के बगैर इंसान सही रास्ते पर ना ही जान सकता है, ना ही आ सकता है, ना ही चल सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबों का कर्तव्य और फर्ज यह है कि हम सब के सब उन सभी लोगों के लिए
प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच जाए, जिससे कि प्रभु उन सभी लोगों को स्पर्श करें, उनके विचार बदल दें, विचारधाराएं बदल दें, उनकी दृष्टि बदल दें, दृष्टिकोण बदल दें, उन्हें भी यीशु की दृष्टि मिले, यीशु का दृष्टिकोण मिले, यीशु का विचार मिले, यीशु के विचारधाराएं मिले, यीशु का मनोभाव मिले, जिससे कि पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए लाभदायक कार्य कर सकें। यीशु के ज्ञान के बगैर, यीशु के स्पर्श के बगैर इंसान लाभदायक कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में हर किसी की भलाई करने के लिए आए। वो भलाई करने वाला ईश्वर है, हर किसी की भलाई करने के लिए आए। किसी की बुराई करने उसने नहीं सिखाया, उसने ये नहीं सिखाया दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख नहीं सिखाया। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे दाहिने गाल में कोई थप्पड़ मारे, वापस मत मारना, दूसरा गाल भी करना। इस प्रकार से क्षमा की बात उन्हें सिखाई है, सहनशीलता की बात उसने सिखाई है, प्यार की बात उसने सिखाई है, अपने दुश्मनों के लिए प्यार करने की बात उसने सिखाई है, अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी देने की बात उसने सिखाई है। और ऐसा प्रभु का अनुसरण जो करेगा, दुनिया का नुकसान नहीं कर सकता, समाज का नुकसान नहीं कर सकता, बल्कि समाज का विकास कर सकता है, समाज का उद्धार कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है भाइयों बहनों, हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, जो आज तक जिनको यीशु का संदेश नहीं मिला, यीशु का स्पर्श नहीं मिला, यीशु का अनुभव नहीं मिला, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि वे भी संत पौलुस के भांति ये बात एक दिन कह पाए, यीशु मसीह को जानना कितना लाभदायक है, और इस ज्ञान की तुलना में बाकी सारे हमारे कार्य, सारे विचार, सारे योजनाएं व्यर्थ हैं, ना केवल व्यर्थ हैं, बेकार हैं, कूड़े के भांति हैं, इस बात को वह कह पाए। इसलिए हम सबों को इस बात को लेकर प्रभु के सामने बैठना होगा, प्रार्थना करना होगा, विनती करनी होगी, तब जाके भाइयों बहनों हम बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रकार की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। जिस प्रकार से अननियस ने सौल को ईश्वर का वचन सुनाया और ईश्वर के रास्ते पर लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी प्रकार से हम भी अपनी क्षमता के अनुसार उदारतापूर्वक आगे आए, एक दूसरे को इस प्रकार से मदद करें, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। इसलिए आज के दिन में इस वचन को जो हम लोग सुन रहे हैं, यह वचन ना केवल हमें बदल दें, संत पौलुस का मन परिवर्तन का यह संदेश ना केवल हमारे मन को परिवर्तन करने में सक्षम हो, बल्कि इस संदेश को लेकर हम दूसरों के जीवन को, दूसरों के मन को परिवर्तन करने में सक्षम हो जाएं, और वही ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम सबों की सहायता करें, हम सबों की मदद करें। क्योंकि संत पौलुस हमें बताता है, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान के तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूँ। यानी कि सर्वश्रेष्ठ लाभ ईसा मसीह को जानना, एक ऐसा व्यक्ति डिक्लेयर करता है, ऐसा व्यक्ति बताता है जो उस जमाने में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, एक ऐसा विद्वान, ऐसा एक पंडित व्यक्ति हम बोल सकते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति हम बोल सकते हैं, जो एक समझदार व्यक्ति बोल सकते हैं, एक प्रकार का साइंटिस्ट व्यक्ति के तुलना में हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा वाला व्यक्ति इन सभी बातों को जानने के बाद, अनुभव करने के बाद बोलता है, यीशु मसीह को जानना ही सर्वश्रेष्ठ लाभ है। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस सर्वश्रेष्ठ लाभ से वंचित ना हो, इस सर्वश्रेष्ठ लाभ से वंचित ना हो, और ये सर्वश्रेष्ठ लाभ हम सबों को मिले। इसलिए हम सबों को जरूरी है कि हम सभी उस प्रभु के पास जाएं, हम सभी उस प्रभु के और नज़दीक जाएं और पास जाएं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जो ईश्वर के नज़रों में अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, बुरी हैं, उन सभी बातों को, उन सभी विचारों को, उन सभी आदतों को, उन सभी कार्यों को उखाड़ कर बाहर फेंकने का संकल्प करें, कूड़े के बांती, क्योंकि वे सारी बातें नुकसानदायक हैं, कूड़े के बांती हैं। संत पौलुस ने अपने जीवन से बाहर फेंकते हुए कहा, उन बातों को
मैं कूड़ा समझता हूँ, यीशु की ज्ञान की तुलना में बाकी सारी बातें मेरे लिए कूड़े के बांती हैं। हम भी उन तमाम बातें हमारे अंदर कूड़े के बांती भरी पड़ी हैं, हमारे विचारों में भरी पड़ी होंगी, हमारे बातों में भरी पड़ी होंगी, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं नकारात्मक उसमें भरी पड़ी होंगी, जो भावनाएँ हमारे अंदर हैं उसमें भरी पड़ी होंगी। इसलिए उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, कार्यों को कूड़े के भांति बाहर फेंक दें, जिससे कि हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन शुद्ध हो। इस प्रकार से हम संत पौलुस के भांति लोगों के सामने ये घोषित कर पाएं कि यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और ये सर्वश्रेष्ठ लाभ भाइयों बहनों, इस प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से वचन सुनने वाले आप सबों के जीवन में भी हो। आप सभी एक दिन ये कह पाएं, यीशु मसीह को जानना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और इस ज्ञान के तुलना में बाकी सभी बातों को, सारी मेरी आदतों को, विचारों को और कार्यों को मैं कूड़े के भांति बाहर फेंकता हूं। मुझे यीशु चाहिए, यीशु की दृष्टि चाहिए, यीशु का दृष्टिकोण चाहिए, यीशु का विचार चाहिए, यीशु का विचारधारा चाहिए। इस प्रकार से मैं यीशु का हूं, आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा। यीशु ही मेरी ज्योति है, मेरा सत्य है, मेरा मार्ग है, और यीशु में मेरा जीवन है। इस बात को हम भी कह पाए, इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, भले ही इस प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से हम सुन रहे हैं, इसलिए हम उस प्रभु से हम प्रार्थना करें, वही प्रभु जिस प्रभु ने सौल को पौलुस के रूप में बदल दिया, उसी प्रभु ने बहुत सारे लोगों को बुराइयों के रास्ते पर चल रहे थे उनको अच्छाइयों के रास्ते पर लाया, प्रभु के रास्ते पर लाया, वही प्रभु हम सबों को भी उसके अपने अच्छाई के रास्ते पर चलाएं। कभी भी हम किसी प्रकार से भी गलत रास्ते पर ना जाएं, कहीं गुमराह ना हो जाएं, कभी भटक ना जाएं, बल्कि यीशु का रास्ता, स्वयं यीशु ने कहा मैं हूँ रास्ता, वही रास्ते पर हम सभी चलने वाले बन सकें। पिता ईश्वर हम सबों को प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए वो ताकत दें, वो शक्ति दें, वो बल प्रदान करें, ताकि प्रभु के रास्ते पर हम चलते हुए प्रभु का जीवन हम सभी जिएं, और इस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर पाएं। वही प्रभु हम सबों की सहायता करें, हम सबों की मदद करें। और इस प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन को सुनने से हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह बना रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। इस प्रकार से प्रभु के स्पर्श से हमारा जीवन निरंतर बदलता जाए, हमारा जीवन निरंतर निखरता जाए, हमारा जीवन निरंतर नया होता जाए। यीशु के स्पर्श से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ और एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। सामरी स्त्री का उदाहरण, सामरी स्त्री के जीवन में क्या हुआ, वो दुनिया के मोह माया में फंस गई, अलग अलग प्रकार की बुराई में फंस गई, बुरे कार्य में फंस गई। जब इस प्रकार से बुरे कार्य में फंस गई, बुराई में खो गई थी, एक दिन अचानक वो पानी भरने के लिए दोपहर के समय कुएं के पास जाती है और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है। प्रभु यीशु से जब मुलाकात होती है, बातचीत शुरू करता है, मुझे पानी पिला दो, और वहाँ पर उनका वार्तालाप शुरू होता है, आप यहूदी होके मुझ सामरी से कैसे पानी मांग सकते हैं। और इस प्रकार से प्रभु बताता है, अगर तुमको ये पता होता मैं कौन हूँ जो तुमसे पानी मांग रहा हूँ, तो तुम मुझसे कहती और मुझसे संजीवन जल की मांग करती। इस प्रकार से बातें आगे बढ़ती हैं, तब जाके उस स्त्री को पता चलता है कि यीशु मसीह कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई नबी है। इस प्रकार से जब यीशु का स्पर्श मिल जाता है, वो स्त्री बदल जाती है, वो स्त्री बदल जाती है, सारे पापमय रास्ते छोड़ देती है, पापमय संगति छोड़ देती है, पापमय आदतें छोड़ देती है, अपने गांव वालों को जाके बताती है, आओ और देखो एक ऐसे महान नबी को जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया है, आओ और देखो। इस प्रकार से वो स्त्री बदल जाती है, यीशु के स्पर्श से सब कुछ बदल जाता है। और इस सिलसिले में एक कहानी मुझे याद आती है, कहानी इस प्रकार से है, एक पुरानी वायलिन की कहानी है। अपने मालिक ने अपने गोदाम में बहुत सारे पुराने चीज़ों को रखा था, और वो सारी पुराने चीज़ें एक दिन वो सोचता है कि इसकी नीलामी कर दें, इसको हटा दें, इसलिए अपने नौकर को ये जिम्मेदारी सौंपता है, जाके नीलामी कर दो। और उन सारे चीज़ों को लेकर नौकर चौराहे में खड़ा हो जाता है और सबसे पहले पुराने वायलिन को उठाता है और शुरू हो जाता है, देखिए भाइयों बहनों एक पुरानी वायलिन, इसकी कीमत है 1 रुपया। और बीड़ इकट्ठा हुई, बीड़ में से किसी ने कहा 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया।
और ज़्यादा बोली आगे नहीं बढ़ी क्योंकि पुरानी वायलिन थी, देखने में अच्छी नहीं थी, किसी काम की नहीं थी, इसलिए कीमत उसके आगे नहीं बढ़ी। मुश्किल से ₹3 और इस प्रकार से ₹3 में बिकने वाली ही थी। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आता है, उस वायलिन को अपने हाथ में पकड़ता है, अपने रुमाल निकाल कर उस वायलिन के ऊपर लगी हुई सारी धूल मिट्टी पोंछता है, उसके तारे ज़रूरत के अनुसार टाइट करता है, उसके बाद ऐसा एक संगीत बजा के सुनाता है, सुनने वाले मंदमुग्ध हो गए। बहुत अच्छा संगीत उसने वहाँ बजाया। उसके बाद उस वायलिन को नीलामी करने वाले के हाथ में सौंप के वापस चला जाता है। अब यह नीलामी करने वाला व्यक्ति इस वक्त बुलंद आवाज से इस वायलिन की नीलामी करने लगता है, देखिए भाइयों बहनों, एक अनमोल वायलिन, इसकी कीमत है ₹1000। तुरंत भीड़ में से आवाज आती है, ₹2000। और इस प्रकार से बोली आगे बढ़ती है, ₹3000। क्या हो गया? वायलिन वही है, नीलामी करने वाला वही है, जगह वही है, लोग वही है, फर्क क्या हुआ भाइयों बहनों? क्या फर्क हुआ? फर्क कलाकार का स्पर्श, यही फर्क हुआ। उस कलाकार ने आके उसके तारे टाइट कर दी, जरूरत के अनुसार उसके ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी पोंछ दी और वो नया वायलिन बन गया। और जैसे उसने गाना बजा के सुनाया, बहुत अच्छा लगा सबको। कलाकार का स्पर्श से सब कुछ बदल गया, कलाकार का स्पर्श से उसकी कीमत बदल गई, कलाकार के स्पर्श से उसकी ज़िंदगी बदल गई। अन्यथा वो वायलिन सस्ते में ₹2-3 में बिक जाता, किसी काम का नहीं रहता। अब इतना अनमोल वायलिन, अब ये अनमोल वायलिन बन गया। इसके पीछे एकमात्र कारण था कलाकार का स्पर्श। पिता ईश्वर हम सबों का कलाकार है, जिसने हम सबों को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों का कलाकार है, जो हमारे लिए सूली पर मरा, जिसने हमें बचाया है। पवित्र आत्मा निरंतर हमारा कलाकार बन के हमें आप पवित्रता से बचाता है। वो कलाकार जब हमें इस प्रकार से ईश्वर का स्पर्श मिलता रहेगा, हमारा जीवन बदलता रहेगा, हमारा जीवन नया होता जाएगा। इस प्रकार से भाइयों बहनों, हम उस कलाकार का स्पर्श, उस ईश्वर का स्पर्श, उस प्रभु यीशु का स्पर्श, उस पवित्र आत्मा का स्पर्श हर दिन प्राप्त करते रहें। और जितना हम प्रभु का स्पर्श प्राप्त करते रहेंगे, जितना हम पवित्र आत्मा का स्पर्श प्राप्त करते रहेंगे, जितना हमें पिता परमेश्वर का अनुभव का स्पर्श मिलता रहेगा, उतना हमारा जीवन नया होता जाएगा, निखरता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं, कलाकार के स्पर्श से वायलिन बदल सकती है, ईश्वर के स्पर्श से हम सबों का जीवन बदल सकता है। वही ईश्वर के स्पर्श से संत पौलुस का जीवन बदल गया, वही ईश्वर के स्पर्श से सामरिया स्त्री का जीवन बदल गया, वही ईश्वर के स्पर्श से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया। आज बारी आपकी है, आज बारी हमारी है, आज बारी हम सबों की है। हम सबों का जीवन वही कलाकार के स्पर्श से, वही ईश्वर जो हम सबों का कलाकार है, उसके स्पर्श से बदल जाए, नया बन जाए। हमारे विचार, हमारे विचारधारा, हमारे दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण बदल जाए और हम भी संत पौलुस के साथ कह सकें, यीशु मसीह को जानना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। आमीन।